ड्रामे जुनून ड्रामे में आखिरकार शानजे को भी मालूम हो गया कि शानी और सजीला एक दूसरे से अभी भी छुप छुप के मिलते हैं, वो अभी भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो तब शानजे शानी से कहती है कि अगर तुम सजीला से ही मोहब्बत करते थे तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, तुमने मुझसे शादी क्यों की, सजीला से शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा इसमें क्या मकसद था। तो शानी शानजे से कहता है मेरा कोई मकसद नहीं था, और वो प्रॉपर्टी जो तुमने मेरे नाम की है मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ। सजीला को भी यह बात मालूम हो गया है कि शानी ने अपनी तमाम दौलत जो शानजे ने उसके नाम की थी तो वो वापस कर दी है। सजीला शानी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, घर आई दौलत को कौन ठुकराता है, तुमने शानजे को वो तमाम कागजात क्यों वापस किए, हम अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से शुरू कर सकते थे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो तमाम कागजात तुम शानजे से वापस ले लो और उसको डिवोर्स दे दो ताकि हम दोनों शादी करके एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सके एक अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ। तब शानी को एहसास होता है कि आखिर सजीला ने तो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया शानजे से तमाम दौलत हथियाने के लिए। मुझे मालूम है कि तुम कितनी लालची लड़की हो, तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती हो। तो वीवर साहब कह लेते हैं कि अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी जानी चाहिए नहीं, कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।